हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एटलस। आज मैं आप लोगों के लिए आपके FYUGP कोर्स के थ्रू BA सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो रेडी की हूँ। ये है आपका BA सेमेस्टर 1, ईयर होगा 2023 टू 2027 के लिए। यस, अगर आपके एग्जाम्स क्लोज आ चुके हैं तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो के थ्रू आपका एक क्विक रिविजन हो जाएगा। आपके इस सेमेस्टर 1 में पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, इसमें आपका मेजर 1 पेपर है जिसमें आपको पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी, यस राजनीतिक सिद्धांत। इस वीडियो में मैं अराउंड 51 लाइनर आंसर्स रेडी की हूँ। इसमें आपको चैप्टर वाइज एक रिविजन हो सकता, चैप्टर वाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो बिना देरी किए मैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आप प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। ओके, तो ये रहा आपका पॉलिटिकल थ्योरी पेपर। ये आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश। आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हो। ओके, सो फर्स्ट इज पॉलिटिकल थ्योरी कम्स अंडर पॉलिटिकल साइंस। देन पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल थ्योरी आर नॉट द सेम, बिकॉज पॉलिटिकल फिलोसफी अलग है एंड पॉलिटिकल थ्योरी अलग है, एंड पॉलिटिकल थ्योरी आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर आता है। देन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज चेंजेबल। ओके, then political thought includes idealistic values whereas political theory does not include spiritual and philosophical values। यहाँ पे एक है आपका political theory और दूसरा है political thought। political thought में idealistic value include होता है जबकि political theory में spiritual और philosophical values देखने को नहीं मिलते हैं। Next, the origin of the word theory is from the Greek word and it means a mental vision that reveals the existence of an object and its action। हिंदी में भी आप देख सकते हो। देन रिपब्लिक इज रिटन बाय प्लेटो, प्लेटो की बुक है रिपब्लिक। देन इन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी मोर इम्फेसिस इज गिवन टू द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट। देन प्लेटो हैज़ गिवन द आइडिया ऑफ द थ्योरी ऑफ द आइडियल स्टेट इन हिज वर्क रिपब्लिक। प्लेटो ने अपने बुक रिपब्लिक में आइडियल स्टेट की थ्योरी को दिया है। नेक्स्ट, अरिस्टॉटल हैज़ एक्सप्लेन सिटी स्टेट इन हिज बुक पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिक्स जो बुक है अरिस्टॉटल का है, रिपब्लिक बुक प्लेटो का है। प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में आइडियल स्टेट की थ्योरी दी है एंड अरिस्टॉटल ने अपनी बुक पॉलिटिक्स में सिटी स्टेट की थ्योरी दी है। नेक्स्ट इज इन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी द आइडियल सोल मेथड हैज़ बीन अडॉप्टेड इन विच रिलीजियस फिलोसॉफी एंड मोरलिटी हैव स्पेशल इन्फ्लुएंस। अगर हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो बेसिकली आपका पॉलिटिकल थ्योरी को दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी एंड सेकेंड इज मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। सो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी में जितने भी वैल्यूज़ हैं, मॉरल एस्पेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगे। बट अगर हम लोग मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो वो वैल्यूज़ के कंपेयर में फैक्ट्स पे बिलीव करता है। सो ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी इज फॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव, लॉजिकल एंड लीगल। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज पॉलिटिकल जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है वो उसका जो नेचर है वो डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि वो डिस्क्रिप्टिव होता है, फॉर्मल भी में काम करता है, नॉर्मेटिव है, आइडियलिस्टिक है, लॉजिकल है एंड लीगल। देन मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, जैसा कि अभी मैं बताई कि पॉलिटिकल थ्योरी की दो टाइप्स है, सेकेंड इज मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। सो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन टू ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। सो बेसिकली अगर मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की बात करेंगे तो सो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो है आपके ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के रिएक्शन में ही सामने आया था। देन हेराल्ड लासवेल, चार्ल्स मेरियम पैरेटो, मोस्का, मिचेल स्टेवेडस्टर्न, ये सभी आपके मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के सपोर्टर्स है। देन मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो ऑब्जेक्टिविटी और एम्पिरिज्म में बिलीव करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ वैल्यू फ्री एनालिसिस। यस, ये वैल्यू फ्री है। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी पूरी तरह से वैल्यू फ्री होता है जबकि आपका ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी वैल्यू एडेड है, मूल्य विहीन कह सकते हैं हिंदी में, मूल्य विहीन है आपका आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जबकि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्ययुक्त होता है। नेक्स्ट, the main difference between traditional political theory and the modern political theory is regarding values, जो अभी मैंने क्लियर कर दिया है। ओके, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स आप लोग रीड आउट भी कर सकते हो, ठीक है, सारा मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, कुछ कुछ छोड़ देती हूँ और भी यहाँ पे आप लोग रीड आउट कर सकते हो। देन लिबरलिज्म अरोज इन द 16th सेंचुरी। लिबरलिज्म यानी उदारवाद आया था आपका 16th सेंचुरी में, एंड जॉन लॉक, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो, हॉब्स, ये सभी लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी के थिंकर्स माने जाते हैं।
नेक्स्ट, लिबरल थिंकर सपोर्ट लिमिटेड इंटरफेरेंस इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ। जो लिबरल थिंकर्स है ये नहीं चाहते थे कि इंडिविजुअल्स के लाइफ में स्टेट का इंटरफेरेंस हो, सो ये लोग लिमिटेड इंटरफेरेंस में बिलीव करते हैं। द फादर ऑफ द साइंटिफिक सोशलिज्म इज कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है ये साइंटिफिक सोशलिज्म के फादर माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं। एंड इन्होंने बिलीव किया था डायलेक्टिक मटेरियलिज्म में एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में। तो ये जो थ्योरी है डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की बात करती है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की हम लोग बात करते हैं, क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, या फिर सरप्लस वैल्यू की बात करते हैं, तो ये सारी थ्योरीज जो है ये दी है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, मार्क्स हैज डिस्क्राइब थ्री स्टेजेस ऑफ चेंज, थेसिस, एंटीथेसिस एंड थीमसिस। मार्क्स ने जो बदलाव है, परिवर्तन है, उसके तीन चरण बताए थे, वाद, प्रतिवाद और संवाद। और उसने हिस्ट्री को छह टाइप्स में क्लासिफाइड किया था, उसने हिस्ट्री को छह तरह से क्लासिफाइड किया था। नेक्स्ट इज अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ये एक बुक है, मैरी वॉलेंस्टीनोक्राफ्ट ने लिखा है। एंड फाउंडर ऑफ फेमिनिज्म इज मैरी वॉलेंस्टीनोक्राफ्ट। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन बुक इज रिटन बाई जॉन स्टुअर्ट मिल। वुमेन फ्रेंचाइजी इन स्विट्जरलैंड 1894, ऑस्ट्रेलिया 1902। देन फेमिनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत फ्रांस में हुई थी। ब्रिटेन में अगर हम लोग बात करें महिला मताधिकार की, तो 1918 में हुआ था। वुमेन फ्रेंचाइजी स्विट्जरलैंड में 1971 में देखने को मिला। जी एस मिल जो है वो स्ट्रांगली सपोर्टेड थे वुमेन्स फ्रेंचाइजी के। और फर्स्ट वुमेन फ्रेंचाइजी, पहला जो महिला मताधिकार है, वो आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। एक स्लोगन है, प्राइवेट इज पब्लिक एंड पब्लिक इज प्राइवेट। ये स्लोगन दिया है कैट मिलेट ने। ओके, साइमन ने रेडिकल फेमिनिज्म का सपोर्ट किया था। सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये भी एक बुक है, कैट मिलेट की है। देन द सेकेंड सेक्स बुक इज रिटन बाई साइमन। सेक्स, जेंडर एंड पॉलिटिक्स इज रिटन बाई ए ओकले, माइकल फॉकल्ट, जैक्स डरंडो, जीन लायटार्ड, ये सभी आपके पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरिस्ट हैं। देन नित्से गेव द फॉर्मूला डेथ ऑफ गॉड, भगवान की मृत्यु का जो सूत्र है नित्से ने दिया है। पोस्ट मॉडर्निटी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्निटी। अगर हम लोग आधुनिकता की बात करें तो उत्तर आधुनिकता जो है आधुनिकता से बिल्कुल अलग नहीं है। देन हर्बर्ट मार्क्यूज़े वॉज अ न्यू मार्क्सिस्ट। हर्बर्ट मार्क्यूज़े थे वो मार्क्सवाद के नव मार्क्सवादी विचारक हैं। देन पोस्ट मॉडर्निज्म सपोर्ट्स द नेगेटिव लिबरल सिस्टम। उत्तर आधुनिकवाद जो है लिबरल आइडियोलॉजी की हम लोग बात करते हैं, लिबरल सिस्टम की बात करते हैं, तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट में बिलीव करते हैं। देन लियोटार्ड हैज़ बीन गिवन द क्रेडिट फॉर कॉइनिंग पोस्ट मॉडर्निज्म। उत्तर आधुनिकता को अगर किसी ने गढ़ने का काम किया है, श्रेय दिया जाता है, तो वो लियोटार्ड को दिया जाता है। सो इस तरह से यहाँ पे 50 क्वेश्चंस, 51 लाइनर आंसर्स मैंने रेडी किया है। आप पूरे वीडियो को अच्छे से देख सकते हो, वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हो, लिख सकते हो, क्विक रिविजन भी आप कर सकते हो। सो वीडियो के एंड पर चलते हैं। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर न्यू हो देन सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।